क्लासेस करेंगे आज? अब साथ साथ मत लिखना, पहले आप समझना और फिर लिखना, ठीक है? पहले मैं आपको ना एक बार में सारे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बता दूंगी और उसके बाद मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगी और एग्जांपल दूंगी। सबसे पहले रो मैट्रिक्स, फिर कॉलम मैट्रिक्स, फिर स्क्वायर मैट्रिक्स, फिर स्केलर मैट्रिक्स, फिर डायगोनल मैट्रिक्स, फिर यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और लास्ट में नल मैट्रिक्स। लिख लीजिए अब आप लिख सकते हैं, फिर मैं आपको एक एक करके सारे मैट्रिक्स समझाऊंगी, ठीक है? फिर मैं आपको फिर रिवाइज कराऊंगी इसे। चलिए अब मैं स्लाइड चेंज कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने क्या लिखा था? रो मैट्रिक्स। नाम किससे बना है? रो से बना है। किससे बना है? रो से। इसका मतलब है कि रो मैट्रिक्स में एक सिंगल रो होती है, बोले तो जिस मैट्रिक्स में बस एक ही रो हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ कॉलम्स, दैट इज अ रो मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स में बस एक रो हो उसको हम क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स। कितने भी कॉलम्स हो सकते हैं बेटा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, मगर रो कितनी होनी चाहिए? एक रो। अब एग्जांपल लेते हैं। राम ईट्स टू बनानास थ्री एप्पल्स फोर ऑरेंजेस फाइव फाइव पपायास इन 6 days। इसका हम मैट्रिक्स बनाएंगे। प्रिपेयर अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बनाए। देखिए सबसे पहले तो मैंने आपको क्या बताया था, हम क्या डालते हैं? ब्रैकेट डालते हैं। राम तो एक ही है, और चीजें कितनी है? बनानास, एप्पल्स, ऑरेंजेस, पपायास। चलिए कितने बनानास खाता है? दो बनानास खाता है। कितने एप्पल्स खाता है? तीन एप्पल्स खाता है। कितने ऑरेंज खाता है? चार ऑरेंज खाता है। कितने पपायास खाता है? पांच पपायास खाता है। अब इसमें कितनी रोज है? एक ही रो है ना, और कॉलम कितने हैं? एक दो तीन चार। चलिए अब इसका ऑर्डर लिखते हैं। 1 × 4। अब ध्यान दें कि कितनी रोज है इसमें? एक ही रो है, और कॉलम कितने हैं? एक दो तीन चार कॉलम है। इसी जगह पे कितने भी कॉलम्स हो सकते हैं इसमें, ठीक है?
चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और एग्जांपल देती हूँ मैं इसका आपको। इस बार हम लेते हैं सिमरन। सिमरन हैज 6 पेंस, 2 पेंसिल्स, 5 इरेजर्स एंड 2 कंपस इन हर बैग। प्रिपेयर अ मैट्रिक्स। यहाँ पे हम लिखेंगे पेंस, पेंसिल्स, इरेजर्स, कंपस। और यहाँ पे एक ही लड़की है सिमरन, ये आपका बन गया मैट्रिक्स। अच्छा, पेंस कितने? 6 पेंस हैं, 2 पेंसिल्स हैं, 5 इरेजर्स हैं और कितने कंपस हैं? 2 कंपस। अब ऑर्डर देखेंगे। एक रो, 1, 2, 3, 4, 4 कॉलम्स। तो क्या हो गया इसका ऑर्डर? वन इंटू फोर, ये हो गया इसका ऑर्डर, जिसमें आपकी कितनी रोज हैं? एक ही रो है। तो रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स हुआ जिसमें आपकी कितनी रोज हैं? 1 रो। ठीक है, अब आप देख लो इसको, लिख लो एग्जाम्पल दोनों के दोनों। पहला एग्जाम्पल लगा रही हूँ मैं, देख लो आप एक बार अच्छे से, लिख भी सकते हैं आप। लिख लिया, चेंज कर दूँ, नेक्स्ट मैट्रिक्स समझाओ। चलिए अब आता है आपका कॉलम मैट्रिक्स। अब आप नाम से समझ गए होंगे कि इसमें कितनी कॉलम्स होंगी? 1 कॉलम। तो ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें कितने कॉलम्स हैं? 1 कॉलम है। यानी कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो, चाहे जितनी मर्जी रोज हो, उसको आप क्या बोलोगे? कॉलम मैट्रिक्स। चलिए इसमें भी क्वेश्चन करें। चलिए, रमन हैज 1 बाइक, 2 कार्स, 1 साइकिल विद हिम। प्रिपेयर अ मैट्रिक्स। चलिए मैट्रिक्स बनाए। कितनी बाइक्स हैं? ओ सॉरी, क्या क्या है उसके पास? बाइक्स, कार्स, साइकिल, बस, और एक ही बॉय है रमन। एक बाइक, 2 कार्स, 1 साइकिल। अब ध्यान से देखिए, इसमें रो कितनी है? 1, 2, 3। कॉलम कितने हैं? 1। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ? थ्री इंटू वन। अब देखिए इसमें कॉलम कितने हैं?
एक ही कॉलम है, तो कॉलम मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें एक ही कॉलम हो। एक और एग्जांपल से समझाती हूँ मैं आपको इसे। चलिए सिमरन हैज वन होम, प्रीति हैज टू होम्स। होम्स की जगह कोई और चीज ले लेते हैं, होम थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। चलिए पेन ले लेते हैं, वन पेन। प्रीति हैज टू पेन्स, रीटा हैज फाइव पेन्स। प्रिपेयर अ मैट्रिक्स। इंक चेंज कर लेती हूँ मैं। आंसर टू। अच्छा अब हमारे सिमरन के पास क्या, पहले तो क्या क्या चीज़ ले रहे हैं हम, पेन्स ले रहे हैं। अच्छा अब कौन कौन सी गर्ल्स हैं, सिमरन, प्रीति, रीटा। चलिए सिमरन के पास कितने पेन्स हैं, एक पेन। प्रीति के पास दो पेन्स, रीटा के पास फाइव पेन्स। अब इसका ऑर्डर लिखते हैं, कितने कॉलम्स हैं इसमें, एक ही कॉलम है और रोज एक दो तीन। इसका ऑर्डर क्या हुआ बच्चे, थ्री इंटू वन। कितने कॉलम है इसमें, एक ही कॉलम है, तो यानी कि कॉलम मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें बस एक कॉलम हो, दैट इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। देख लीजिए आप दोनों एग्जांपल्स, एक ये एग्जांपल है पेंस का, इसमें थ्री गर्ल्स हैं, और एक ये एग्जांपल है जिसमें मैं बता रही हूँ कि इस बॉय के पास इतने बाइक्स, इतने कार्स और इतने साइकिल हैं। इसमें मैंने कितने कॉलम बनाए हैं, एक कॉलम, और कितनी रोज़ बनाई है, कितनी भी कॉलम, कितनी भी रोज़ हो सकते हैं। इसमें मैंने थ्री रोज़ बनाई है, मगर वैसे कितनी भी रोज़ हो सकती हैं, इन्फिनाइट रोज़ हो सकती हैं, उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। कॉलम मैट्रिक्स में बस एक कॉलम होना चाहिए। चलिए अब मैं स्लाइड चेंज कर रही हूँ, नेक्स्ट मैट्रिक्स शुरू कर रही हूँ। सबसे पहले आपको कराती हूँ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट एलिमेंट्स ऑफ लीडिंग डायगोनल आर ज़ीरो। ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट एलिमेंट्स ऑफ द लीडिंग डायगनल आर ज़ीरो। एग्जाम्पल से बताती हूँ मैं आपको। चलिए पहला एग्जाम्पल, सिक्स ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो फोर ज़ीरो, थ्री नहीं, यहाँ पे तो ज़ीरो आएगा ना, ज़ीरो ज़ीरो थ्री। इसका ऑर्डर क्या है, सबसे पहले तो एक दो तीन, थ्री रोज़ हैं और कॉलम्स कितने, एक दो तीन। अभी तक आपको ऑर्डर तो बनाना ही गया होगा। चलिए अब इसमें आप देख रहे हैं, ये आपका लीडिंग डायगनल है, ये क्या है आपका,
ये आपका लीडिंग डायगनल है। और अब आप ध्यान से देखिए, इसके अलावा सारे एलिमेंट जीरो हैं। इसको डायगनल मैट्रिक्स इसलिए बोला गया क्योंकि डायगनल के अलावा सारे एलिमेंट जीरो हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, एक और एग्जांपल देती हूँ। टू जीरो जीरो थ्री। अब इसमें भी आप देखिए, लीडिंग डायगनल के अलावा सारे एलिमेंट जीरो हैं, इसलिए मैंने इसको बोला डायगनल मैट्रिक्स, क्योंकि लीडिंग डायगनल के अलावा सारे एलिमेंट जीरो हैं। अब मैं इसका लिखती हूँ ऑर्डर, दो रोज और दो कॉलम्स, यानी कि टू इंटू टू। समझ आया आपको? अब हम करते हैं स्केलर मैट्रिक्स। एक बार इसको देख लीजिए आप, एग्जाम्पल को, डेफिनेशन को लिख लीजिए लिखना है तो। चलिए अब चेंज कर दूं। अच्छा, स्केलर मैट्रिक्स में देखो, मैंने आपको बताया था ना एलिमेंट कैसे बनते हैं, ए आई जे। स्केलर मैट्रिक्स में सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि एलिमेंट जो ये रो का नंबर है और कॉलम का नंबर है वो इक्वल होना चाहिए। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, ए वन वन, ए टू टू, ए थ्री थ्री, ए फोर फोर। अब बच्चे, अगर मैं एक थ्री बाय थ्री मैट्रिक्स लूँ, थ्री बाय थ्री मतलब थ्री कॉलम्स और थ्री रोज, तो इसमें ए वन वन तो ये हो जाएगा, रुके इंक चेंज कर देती हूँ। ए वन वन तो ये हो जाएगा, ए टू टू ये हो जाएगा, तो ए थ्री थ्री ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, इसमें एक ट्विस्ट है। एक और मैं आपको दूसरे एग्जांपल से समझाती हूँ इसे। देखिए देखिए, इसमें सबसे पहले तो ये मैंने बताया आपको कि रो नंबर और कॉलम नंबर इक्वल होना चाहिए, यानी कि ए वन वन, ए टू टू, ए थ्री थ्री, लीड डायगनल हो गया। अब इसमें आप ये समझो कि जो एलिमेंट्स है ना, एलिमेंट्स वो भी इसके इक्वल होंगे, चाहे वो कुछ भी हो, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन नाइन टेन फोर्टीन सिक्सटीन थर्टी टू, मगर वो इक्वल होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ए वन वन इज इक्वल टू ए टू टू, ए टू टू इज इक्वल टू ए थ्री थ्री इज इक्वल टू ए फोर फोर, सारे एलिमेंट इक्वल है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये तो आपका था एग्जाम्पल वन। मैं आप इसका दो तीन एग्जाम्पल्स और लेके बताता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। चलिए देखिए, इसमें देखिए, ये है आपका ए वन वन, ये है आपका ए टू टू, ये है आपका ए थ्री थ्री, और ये इक्वल है, तो ये आपका कौन सा मैट्रिक्स हो गया, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, आई इज इक्वल टू जे होता है, और ये जो आई इज इक्वल टू जे वाला एलिमेंट है, ये सारे एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। तो आप ये समझिए कि एक तरीके का डायगनल मैट्रिक्स ही हो गया ना, बस ये है कि इसका जो लीडिंग डायगनल है, इसके एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। समझ आया आपको? इसका जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होंगे,
उसमें क्या थे, उसमें इक्वल नहीं थे, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं आपके लिए। इस बार मैं 2x2 मैट्रिक्स लूंगी, 4 0 0 4, ये a11 है और ये a22 है और ये इक्वल भी है, तो ये हो गया आपका स्केलर मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या होगा, कितनी रोज है, 1 और 2, और कॉलम्स कितने हैं, 1 और 2, तो 2x2 मैट्रिक्स हो गया। और ये कितना हुआ, 1 2 3, 1 2 3, यानी कि 3x3 मैट्रिक्स हो गया। चलिए आई एम स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट मैट्रिक्स नाउ। अब आपका आता है यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यूनिट मैट्रिक्स के दो नाम है, यूनिट का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? यूनिट का मतलब होता है वन। ये भी ना एक तरीके का स्केलर मैट्रिक्स ही है, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ स्केलर मैट्रिक्स है। इसमें भी आई इज इक्वल टू जे होना चाहिए, वो एलिमेंट्स जिसमें आई इज इक्वल टू जे है, इसका मतलब a11, a22, a33 एंड सो ऑन। और इसमें एक स्पेशल क्राइटेरिया है, स्पेशल चीज़ है कि ये जो एलिमेंट्स है ना, ये वन ही होने चाहिए। आई रिपीट, वो एलिमेंट्स जिसमें आई इक्वल टू जे है, यानी कि रो नंबर और कॉलम नंबर सेम हो, इसका मतलब क्या हुआ, a11, a22, a33। मगर इसमें ये जो एलिमेंट्स हैं वो यूनिट होना चाहिए, यूनिट यानी कि वन। इसके दो नाम हैं, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका तो एक ही एग्जांपल बन पाएगा, मैं बता देती हूँ आपको। वन वन वन, अब देखिए ये आपका a11 है, ये आपका a22 है, ये आपका a33 है, और ये आपका क्या है, वन है। a11, a22 और a33 क्या है, वन। तो अब देखते हैं डायगनल मैट्रिक्स क्या हुआ, जिसमें लीडिंग डायगनल के अलावा सारे एलिमेंट जीरो है, ये एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, इक्वल और नॉन इक्वल। स्केलर मैट्रिक्स क्या हुआ, जिसमें वो एलिमेंट्स जिसमें आई और जे इक्वल है, यानी कि रो नंबर और कॉलम नंबर इक्वल है, यानी कि a11, a22, a33, इनके अलावा सारे एलिमेंट जीरो और ये एलिमेंट्स इक्वल है। इसको इसका एग्जांपल भी लिया मैंने आपके सामने है एग्जांपल। पहले पहला आपका 3x3 मैट्रिक्स है, यानी कि 3 रोज और 3 कॉलम्स, ठीक है। और इसमें आपका a11, a22, a33 के अलावा सारे एलिमेंट जीरो है और ये एलिमेंट्स इक्वल है। फिर आपका आता है डायगनल मैट्रिक्स, नहीं डायगनल तो मैंने बता दिया आपको, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स भी एक स्पेशल टाइप ऑफ स्केलर मैट्रिक्स है, जिसमें आई और जे वो एलिमेंट जिसमें आई और जे इक्वल है, यानी कि a11, a22, a33, इनके अलावा सारे एलिमेंट जीरो है और ये एलिमेंट क्या है, वन। क्यों, यूनिट का मतलब ही वन होता है, ठीक है, यूनिट मीन्स वन। लिख देती हूँ मैं, अब ये आप भी ये चीज़ लिख लीजिएगा, इससे ना आपको याद हो जाएगा मीनिंग, ठीक है, यूनिट मीन्स वन। अब लास्ट मैट्रिक्स करते हैं, नल मैट्रिक्स। नल का मतलब आपको पता है क्या होता है, जीरो, बड़ा सा जीरो।
तो वो मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो, क्या हो, जीरो हो, वो आपका हो जाएगा नल मैट्रिक्स। ये तो हो गया आपका 3 बाय 3, 1 2 3 रोज़, 1 2 3 कॉलम्स। अब मैं आपको 2 बाय 2 मैट्रिक्स, सारे एलिमेंट जीरो हैं, चाहे 2 बाय 2, चाहे 3 बाय 3, चाहे 4 बाय 4, चाहे कोई भी मैट्रिक्स हो, कोई भी ऑर्डर हो, ठीक है। चलिए लिख लीजिए, यहाँ पे भी लिख लीजिए, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। चलिए अब मैं आपको स्क्वायर मैट्रिक्स कराती हूँ। मैंने आपको कौन से मैट्रिक्स कराए, देखिए, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, डायगनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, अब स्क्वायर मैट्रिक्स। इन दिस मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल, हम 3 रोज और 3 कॉलम्स बनाएंगे, 3 बाय 3 मैट्रिक्स बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हम स्क्वायर मैट्रिक्स बना रहे हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होता है, तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होना चाहिए। जो मर्जी एलिमेंट्स हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, बस नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होना चाहिए। देखिए इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है ना, ये हो गई आपकी 3 रोज और ये हो गए आपके 3 कॉलम्स। एक और एग्जाम्पल करते हैं, अब मैं 2 बाय 2 मैट्रिक्स बना रही हूँ। देखिए ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, 4 0 3 5, 3 4, कोई भी एलिमेंट हो, उससे तो फर्क नहीं पड़ता ना, बस नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए। अब देखिए इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 है ना। कोई लाइट यूज कर लेती हूँ, रुकिए, कोई लाइट यूज कर लेती हूँ, नंबर ऑफ कॉलम्स, तो फिर वही वाला आ गया, देखिए ये नंबर ऑफ कॉलम्स, रुकिए, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने, 1 2, और नंबर ऑफ रोज 1 2, तो ये हुआ आपका स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें आपके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं। समझ आया? चलिए ये आपके हो गए टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। रो मैट्रिक्स किया आपने, कॉलम मैट्रिक्स किया, स्क्वायर मैट्रिक्स किया,
स्केलर मैट्रिक्स किया, डायगनल मैट्रिक्स किया, यूनिट मैट्रिक्स किया, नल मैट्रिक्स भी किया, सारे मैट्रिक्स कर लिया आपने। समझ आया आपको? थैंक यू।